हाँ जी। तो दोस्तों कैसे हैं आप? मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त गगनदीप, आपके अपने चैनल जेडी टेकी से। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने वीडियो के टॉपिक को जानते हैं और फिर जल्दी से करते हैं वीडियो को शुरू। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। भारतीय बैंकिंग सेक्टर का एक और जाना माना नाम बैंक ऑफ इंडिया। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं कि आज मैंने जो है वो बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन किया है। आपको पता ही है कि नया फाइनेंशियल ईयर जो है वो शुरू हो चुका है और आज की इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि क्या नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत के बाद बैंक ऑफ इंडिया ने अपने टर्म डिपॉजिट के ऊपर मिलने वाले रेट ऑफ इंटरेस्ट को रिवाइज किया है या फिर नहीं। अगर किया है तो नए रेट ऑफ इंटरेस्ट अब क्या होंगे। सो फ्रेंड्स, टॉपिक आपको पता चल चुका है तो चलिए फटाफट से करते हैं वीडियो को शुरू। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बात बता दूं, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल जीडी टेकी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। तो देखिए दोस्तों, मैंने ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन किया हुआ है। सबसे पहले आपको टर्म डिपॉजिट के रेट ऑफ इंटरेस्ट को जानना है। तो देखिए, ऊपर ना एक मेन्यू दिखाई दे रहा है, उसमें ऑप्शन मिल रही है इंटरेस्ट रेट एंड सर्विस चार्ज। आपको इंटरेस्ट रेट पे क्लिक करना है। तो देखिए दोस्तों, हमारे सामने एक नया वेब पेज जो है वो खुल के आ जाएगा। फिर आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड ऑप्शन मिल रही है सेविंग बैंक डिपॉजिट रेट और रुपए टर्म डिपॉजिट रेट। सबसे पहले मैं आपको सेविंग बैंक के जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उनके बारे में बताता हूं। तो देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं अगर हम बात करें सेविंग अकाउंट की, तो उसके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है 1/10/2020 के बाद अभी तक रिवाइज नहीं किया गया है, मतलब कि 1.5 साल से ऊपर का समय हो चुका है। अगर हम बात करें रुपए टर्म डिपॉजिट की, तो देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रिवाइज किए गए हैं 1/8/2021, यानी कि अभी तक इस साल 2022 में बैंक ऑफ इंडिया ने अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट रिवाइज नहीं किए हैं। मतलब कि नया फाइनेंशियल ईयर जो शुरू हो चुका है उसके बाद भी रेट ऑफ इंटरेस्ट रिवाइज नहीं हुए हैं। तो टेबल दोस्तों आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा आपको दिखा देता हूँ क्लियर करके। अगर हम बात करें 7 से 14 दिन, 15 से 30 दिन या 31 से 45 दिन के लिए 2.85% और सीनियर सिटीजन के ऊपर भी सेम ही रहेगा। अगर हम बात करें 1 साल की फिक्स डिपॉजिट, तो देखिए दोस्तों, 1 साल की फिक्स डिपॉजिट के ऊपर आपको 5.00% जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना वो मिल रहा है। बाकी दोस्तों टेबल आपके सामने है, सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट को ही चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को आपने देख लिया होगा। बाकी दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अभी तक इस साल रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक ऑफ इंडिया ने रिवाइज नहीं किए हैं और ना ही नए फाइनेंशियल ईयर में अभी तक कोई अनाउंसमेंट की गई है। बाकी दोस्तों, अगर कोई नई अपडेट बैंक ऑफ इंडिया से जुड़ी हुई आएगी तो हम आपको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज शेयर कमेंट के जरिए जरूर बताना।